ओम शांति। स्पिरिचुअल एनर्जी इज द बिगेस्ट एनर्जी इन द वर्ल्ड। जिनके पास ये एनर्जी होगी वही संसार में बड़े बड़े काम करेंगे। विनाश काल में वही संसार को बहुत ज़्यादा मदद कर पाएंगे और स्वयं की स्थिति को भी अचल अडोल रख पाएंगे। अगर ये स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं होगी तो मन इधर उधर बहुत भटकता होगा। तो अभी से हमें अपने अंदर ज्ञान की शक्ति और योग की शक्ति, पवित्रता की शक्ति और श्रेष्ठ धारणाओं की शक्ति अपने जीवन में अपनानी है। देखिए, सेवा से भी हमें शक्ति मिलती है, पुण्य कर्म भी हमें शक्ति देते हैं, ज्ञान का चिंतन जब हम करते हैं तो वो ज्ञान चिंतन भी हमारे लिए बल बन जाता है। पवित्रता का बल तो है ही, योग बल तो विश्व प्रसिद्ध बल है। इन सभी चीजों से हमें शक्तियां स्वयं में भरती चलनी है ताकि जब इस संसार में समाप्ति का काल आए, जब चारों ओर हाहाकार हो, तब हम अपनी स्थिति को अचल अडोल रखकर संसार को बहुत श्रेष्ठ योगदान दे सकें। इसलिए बाबा हम सभी को एक लक्ष्य देते हैं कि तुम सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ, क्वेश्चन मार्क्स न लगे। जिनके पास ड्रामा का श्रेष्ठ ज्ञान है वे जानते हैं जो कुछ हो रहा है वही कल पहले हुआ है तो वही पुनः होना है। जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। हर एक आत्मा अपना अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रही है। तो चाहे आत्माओं के बारे में, चाहे किसी घटना के बारे में, चाहे यज्ञ की किसी स्थिति के बारे में, आश्चर्यवत स्थिति भी नहीं होनी चाहिए। हमें वंडर भी नहीं लगना चाहिए कि ऐसा भी होता है क्या, या ये इतने पुराने ज्ञान में चलने वाले भी ऐसा करते हैं क्या, क्योंकि कल पहले जो कुछ हुआ था वही तो हो रहा है, वही तो होना है। ऐसी निरसंकल्प और साक्षी स्थिति अपनाने वाले सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। ज्ञान चिंतन का बल बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि जो भी बात हमारे सामने आए उसमें हमारे क्वेश्चंस न उठते रहें और फटाफट हम फुल स्टॉप लगा सकें। जो फुल स्टॉप लगाएंगे, बाबा ने उनके लिए बहुत गुह्य बात कही है कि फुल स्टॉप लगाने वालों को एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा और फुल स्टॉप लगाकर प्रकृति को ऑर्डर देना पड़ेगा, स्टॉप अर्थात शांत हो जाओ। तो प्रकृति जब हाहाकार करेगी, जब ऐसा प्रतीत होगा कि प्रकृति सब कुछ नष्ट कर डालेगी, शायद कुछ भी शेष न बचे, तब हमें अपनी श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर बैठकर प्रकृति को ऑर्डर देकर शांत करना होगा। तो इसके लिए ही स्पिरिचुअल एनर्जी की बहुत जरूरत है, और जरूरत है कि संकल्पों में हमारा समय नष्ट न हो, तब प्रकृति भी हमारे आदेश का पालन करेगी और जैसे ही हम उसको आदेश देंगे शांत हो जाओ तो प्रकृति शांत होगी, उसके तूफान शीतल हो जाएंगे। हम ये जानते हैं कि प्रकृति को संहार करना ही है, पर कभी कभी ऐसी आवश्यकता होगी कि कुछ समय के लिए स्टॉप। तो ये बहुत बड़ा कार्य हम सबको करना है। आज सारा दिन हम इन दो स्वमान का अभ्यास करेंगे। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ और प्रकृति का मालिक हूँ। प्रकृति का मालिक और बाबा परमधाम में हैं, उनसे पवित्र किरणें मुझ में समा रही हैं और मुझसे ये पवित्र किरणें चारों ओर फैल रही हैं। प्रकृति के पांचों तत्व इन्हें रिसीव कर रहे हैं। कभी सामने ग्लोब देखकर सकाश देंगे तो कभी सागर के जल को सकाश देंगे ताकि सभी तत्व
पुनः सतो प्रधान हो जाएं और आज्ञाकारी बन जाएं, क्योंकि अग्नि और पानी से ही बहुत ज्यादा महाविनाश होगा और दोनों पर हमारा कंट्रोल हो, और कंट्रोल तब होगा जब हम प्रकृति के मालिक बनेंगे, स्वमान की सीट पर रहेंगे। ओम शांति।